मथुरा में आइस फैक्ट्री में गैस रिसाव की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया और अफरा तफरी का माहौल हो गया। आइस फैक्ट्री में रिसाव के चलते एक दर्जन से अधिक लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने की वजह से वो बीमार हो गए, जिन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला मथुरा के थाना हाईवे इलाके के पन्ना पोखर की चंदपुरी कॉलोनी का है, जहां एक आइस फैक्ट्री में अचानक गैस रिसाव हो गया, जिसकी वजह से लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी और क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अफरा तफरी के दौरान चंदपुरी कॉलोनी निवासी अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर भाग गए। स्थानीय लोगों द्वारा 108 नंबर एम्बुलेंस को सूचना दी गई और सभी बीमार लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं घटना की जानकारी लगने के बाद इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वहीं स्थानीय लोगों ने मिलीभगत से आइस फैक्ट्री को चलवाने का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों की माने तो यहां आए दिन गैस रिसाव होता है, अक्सर इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। मेरा नाम इंदर सिंह है। इंदर सिंह जी, बताएं क्या हुआ इस फैक्ट्री में? इस फैक्ट्री में करीब 5:45 बजे गैस निकलना शुरू हो गया था बहुत तेजी से। उसके बाद फिर हमने सब कबाड़ बंद कर लिए। करीब 4 फोन मैंने पार्षद को किए हैं, डॉक्टर अशोक अग्रवाल को किया है और महापौर को किया है। ये किस चीज की फैक्ट्री है जो आइसक्रीम फैक्ट्री बर्फ बनती है? किसके नाम से फैक्ट्री? ये तो मुझे जानकारी नहीं है, उनके नाम है। तो गैस रिसीव से कुछ यहाँ के स्थानीय निवासी को तबीयत भी खराब हुई है? यहाँ के 2 आदमी प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती है, बाकी 2 एम्बुलेंस से गाँव वाले जा रहे हैं। कितने गए अभी? 30 लोग, 40 लोग शामिल हैं। रात में होता तो मरे जा रहे हैं। कहाँ ले गए इन लोगों को? इन लोगों को सरकारी हॉस्पिटल ले गए। जब एम्बुलेंस कुछ प्राइवेट में गए, 2 की जानकारी है मुझे जो प्राइवेट में, बाकी सरकारी में कितने वो नहीं बता। फैक्ट्री का की है ये? तो आपने सोचा किस किस को दी पहले? किसी प्रशासन को दी आपने? हाँ, मैंने दी है। सबसे पहली कॉल मेरी गई थी। मैंने पहले पार्षद को किए, 102 नंबर में 6 कॉल किए हैं, 102 नंबर कोई नहीं उठाई। 3-4 कॉल पार्षद को की है, 2 कॉल डॉक्टर अशोक अग्रवाल को की है, 1 कॉल डॉक्टर बनवारी को की है, जिन्होंने मुझे नंबर दिया 102 पर फ़ोन करो, 102 पर फ़ोन किया है। उसके बाद मेरे एक दोस्त थे जयचंद, मैंने कहा भाई तुम्हारे पास उनके पड़ोसी हैं वहाँ पर, मैंने उनको फ़ोन करो, उनको फ़ोन दिया और एम्बुलेंस की मांग की है मैंने। तो हमारे थाना इंचार्ज जो SO हाईवे हैं, तत्काल मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंच गए थे। उन्होंने वाल्व वगैरह बंद करा दिया, नहीं हल्का सा क्रैक है उसमें, इनके फिलहाल बंद करा दिया गया। इनके मालिक को बता दिया गया जब तक चेंज नहीं होगा, प्रदूषण विभाग से इसकी जांच नहीं हो जाएगी तब तक ये बंद रहेगा। तो क्या सर, इन जो फैक्ट्री संचालक उन पर भी कोई कार्रवाई की गई है? लगी तो फैक्ट्री संचालक पर कार्रवाई ऐसी कोई नहीं की गई है, तो फैक्ट्री संचालक से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। जो ऑपरेटर्स हैं उनको बताया गया, वो कहीं बाहर के रहने वाले हैं। हाँ, कुछ 1-2 लोग बता रहे हैं कि कोई एहतास होने की खबर सर? किसी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जहरीली तो होती नहीं, लेकिन लगा होगा तो किसी को। और जो है जो पाइप जहाँ से गल गया है पाइप, वहाँ से लीकेज हुआ है वाल्व के पास में से। तो इन्होंने फैक्ट्री वालों ने पहले हमारे पहुँचने से पहले ही जो है मेन वाल्व जो था सिलेंडर से जो मेन वाल्व था वो बंद कर दिया है, अभी पूरी तरह नॉर्मल है। कितने लोग इसमें कुछ अब ये जानकारी है तो प्रशासन के लोग बताएंगे कितनी। लेकिन कुछ गांव यहाँ के लोगों का कहना है कि लापरवाही रही, काफी घंटों से वो लीकेज हो रही थी। ना ना, ऐसा नहीं है, 10 मिनट के अंदर बंद कर दिया गया है। वो जो सिस्टम में थोड़ी बहुत गैस थी वो थोड़ा लीक होती रही है, बस वो मेन से बंद कर दिया गया है पहले। यहाँ के लोग कुछ लोग हॉस्पिटल एडमिट कराए गए हैं और दहशत में है लोग बाग अमोनिया गैस के चक्कर में, क्या कहना है इस बारे में आपका? नहीं, इस कुछ नहीं कहेंगे, प्रशासन बताएगा जो भी इस बारे में।